परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान करेंगे और मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 11 पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें यदि हम प्रभु से मांगें, यदि प्रभु यीशु मसीह से मांगें तो वो हमें सारी वस्तुएं क्या कर देगा, दे देगा। पढ़ा ना हम लोगों ने, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी वस्तुएं दे रहे हैं तो वो तो भला परमेश्वर है। जब उसके बच्चे उससे मांगेंगे तो वो क्यों उन्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा, यानी कि वो जरूर से उन्हें सारी अच्छी वस्तुएं क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। एक और वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 8:32। जिसने अपने बेटे को तक, अपने प्रिय बेटे को तक हम पापी लोगों के लिए दे दिया तो उसके लिए और चीजें देना क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, और चीजें देना तो उसके लिए बिल्कुल आसान है। वो सब कुछ हमें दे देगा। जब वो अपना इकलौता प्रिय बेटा हमें दे सकता है तो वो हमारे लिए सब कुछ दे सकता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। कि हम जो कुछ भी भली इच्छा से प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं वो उसका उत्तर देता है, और उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को वो हमारे जीवन में अपने समय पर क्या कर देता है, भेजता है या फिर पूरा करता है, क्योंकि वो भला है ना। और उसकी भलाई क्या है, सदा की है, अमर की है, वो कभी मरती नहीं। यह वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। याबेज एक व्यक्ति है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता, भला होता कि तू मेरे देश को परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और बाइबल कहती है कि जो कुछ याबेज ने दुआ में मांगा, जो कुछ उसने याबेज ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, यहोवा ने उसे वो दे दिया। जो कोई भी उससे मांगता है वो उसे दिल खोल करके स्वर्ग से क्या करता है, अपरंपार आशीषों की वर्षा उसके ऊपर करता है। आज सुबह यदि आपने परमेश्वर का वचन सुना और इस बात को आपने माना कि आप उसकी संतान हैं, तो इस बात को भी आप मान लीजिए कि जब संतान अपने पिता से कुछ भी मांगती है, जब पुत्र अपने पिता से कुछ भी मांगता है, जब कोई लड़की अपने पिता से जो कुछ मांगती है तो वो उसके लिए क्या कर देता है, पूरा कर देता है। ज़रूरत है तो अपने पिता से मांगने की। आज से हम अपने पिता से अपने जीवन के लिए मांगे, अपनी मिनिस्ट्री के लिए मांगे, अपनी सेवा के लिए मांगे, अपने जीवन की हर एक घटी कमी को यीशु मसीह के सामने रखें, उससे मांगे कि प्रभु तू पूरा कर, चाहे वो कुछ भी हो। आप कुछ भी परमेश्वर से मांग सकते हैं, आप कपड़े ही परमेश्वर से मांग सकते हैं, आप बुद्धि यीशु मसीह से मांग सकते हैं, आप इज्जत यीशु मसीह से मांग सकते हैं, आप अपना लाइफ पार्टनर यीशु मसीह से मांग सकते हैं, आप अपना घर यीशु मसीह से मांग सकते हैं, आप सब कुछ यीशु मसीह से मांग सकते हैं। उससे कह सकते हैं प्रभु तू मेरे जीवन में आशीष दे, तो वो आपके जीवन में क्या करेगा, आशीषों की अपरंपार, बाइबल कहती है कि अपरंपार आशीषों की वर्षा तुम्हारे ऊपर कर देगा। और अपनी हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर के सामने हाथ फैलाएं, लोगों के सामने हाथ न फैलाएं, परमेश्वर के सामने हाथ फैलाएं, यीशु मसीह के साथ सामने हाथ फैलाएं। प्रभु मेरे जीवन में इस चीज़ की कमी है तो इस कमी को पूरा कर, वो पक्का आपके लिए उस कमी को 100% आपके लिए उस काम को करेगा। यदि वो काम आपके लिए अच्छा है तो, यदि वो आपके लिए भला है तो, जो कुछ आप उससे मांग रहे हैं यदि वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए भला है, तो परमेश्वर अपने समय पर आपके जीवन में उस बात को पूरा करेगा, उस काम को आपके जीवन में पूरा करेगा, उन बातों को, उन चीज़ों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। आइए हम लोग दुआ करें।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु, कि तू हमें अच्छी वस्तुएं देना जानता है प्रभु, अच्छे गिफ्ट्स तू देना जानता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग आज से प्रभु तुझसे मांगते हैं प्रभु, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रभु जो कुछ भी चीज़ें तुझसे मांगी जाती हैं प्रभु, पिता परमेश्वर हम जानते हैं आप हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं प्रभु। जिस प्रकार आपने याबेज की दुआओं को सुना प्रभु, उसी प्रकार आप हमारी दुआओं को भी सुने, या फिर जो लोग आपसे दुआ कर रहे हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।